देखिए मेरे कान्हा जो कि देखिए सारा अपना श्रृंगार कैसे रख करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आज होगा मेरे कान्हा का फिर से मोहिनी श्रृंगार। तो चलिए जल्दी से कान्हा का अपना श्रृंगार कर लेते हैं। हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। और देखिए मेरे कान्हा का आज का भी रूप कितना ही सुंदर है, मेरा लाला कितना प्यारा लग रहा है जी। रसिया को नार बनाओ, पूरी रसिया को ये देखिए कितना ही अद्भुत रूप मेरे लाला का, मेरी प्यारी गुड़िया का, सबका। और मेरे कान्हा को देखिए जरा, तो कितना ही सुंदर रूप, कितना ही सुंदर श्रृंगार हो गया है मेरे लाला लाली का। काजल भी लगा दूंगी, मेरे कान्हा को भी काजल लगा दूंगी, किसी की नजर ना लगे। और तो भाई बिहारी लाला देखो कैसे लग रहे हो। आप लोग भी आरती ले लीजिए। हरि बोल। होते ही मेरे लाला को लगाती है भूख। तो ये देखिए सर्वप्रथम भोग दिन का दूध और मखाने का आ चुका है जी। जी कुछ इस प्रकार से मेरी एकादशी की जो सुबह की सेवा होती है, पूजन होती है, वो पूर्ण हुई। और इस तरीके से मेरे लाला को, लाली को जो सर्वप्रथम भोग होता है वो लग गया है। सर्वप्रथम भोग है वो दूध और मखाने का लग चुका है। और जरा सुंदर दर्शन कर लीजिए सभी के, मेरी गुड़िया को देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और आज तो बस किसी की नजर ना लगे मेरे भैया को, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा, मेरी किशोरी। और किशोरी बड़ी गौर से देख रही है कान्हा को कि देखिए जी। तो इस तरीके से सुबह का जो सर्वप्रथम भोग है वो लग चुका है। और अब मैं जो दूसरा भोग बनाऊंगी वो बनेगा जैसे मखाने का, आलू का, जो कि मेरे श्यामा श्याम को, मेरे नारायण को और श्री हरिदास जी को, अष्ट सखियां जो सभी लोग जो ग्रहण करते हैं, पाते हैं भोजन, वो मैं लगाऊंगी फलाहार का। लेकिन मैं अपने लड्डू बाबू लाडो को मैं जो पूड़ियों का या जो भी मैं बनाऊंगी दाल का, पूड़ियों का, वो मैं भोग लगाती हूँ। तो इस तरीके से आज की पूजन मेरी पूर्ण होती है। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोल।
और ये देखिए, ये जो भोग है ये मेरे लाला का भोग, दोपहर का भोग लग रहा है। आज मैं केला और मूंगफली के दाने का और भैया को अपने दूध का भोग लगा रही हूँ।